बच्चों कैसे हैं? आज हम लोग क्लास 11 का वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सबको पता होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो इस क्लास से जुड़िए, इस वीडियो को देखिए और आपको वेक्टर के बारे में मालूम हो जाएगा कि वेक्टर होता क्या है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले हमारे मन में आता है सवाल कि हम वेक्टर क्यों पढ़ना चाहिए हमें। ओके, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर का एप्लीकेशन हमको क्लास 11, 12 फिजिक्स में करना है। एक वेक्टर है जो हम जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स में वेक्टर एक चैप्टर है वो पढ़ते हैं, बट फिजिक्स में वेक्टर का क्या रोल है। ओके, तो ये सब चीज हम आज इस क्लास में इस वीडियो में आप लोग को क्लियर करेंगे फ्रेंड। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल केयरफुली इस क्लास को अटेंड करना, वीडियो को रोक के नोट्स लेना जो भी होंगे उनको उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से समझना। तो वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना है वेक्टर फिजिक्स के लिए, तो ये सवाल पहला सवाल है व्हाई वेक्टर। तो एक्चुअली हमारे फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, ओके, जिनको कुछ क्वांटिटीज हैं जिनका बिना वेक्टर के यूज से हम काम कर लेते हैं, बट कुछ क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जिनको हम वेक्टर के हेल्प से सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ओके, तो उस कुछ क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए हमको वेक्टर पढ़ना है। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन टू टाइप्स के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। एक हो गए, एक को बोलते हैं स्केलर, एक को बोलते हैं वेक्टर। तो आप देख लेना क्लासिफिकेशन, मैं देता हूं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या है फिजिकल क्वांटिटीज का, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्केलर, एक होते हैं वेक्टर। इनको हम बोलते हैं ओके, ये होते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं सदिश, इसको बोलते हैं सदिश। ओके, तो स्केलर क्या है, तो स्केलर कुछ नहीं है, ये इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं दोस्त। ओके, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तभी वो डिफाइन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर और इसको बोलते हैं स्केलर। तो स्केलर में जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं वो सिंपल मैथमेटिक्स, जो सिंपल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो उसका यूज करके इस क्वांटिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, बट वेक्टर को, वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हमको वेक्टर अलजेब्रिक मैथमेटिक्स पढ़ना है, कुछ इसके अपने खुद इसके कुछ रूल्स है अपना, ठीक है ना, जो हमने अभी तक नहीं सीखा है तो उसको देखना है इस टॉपिक में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, which have magnitude and direction. Okay? तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल हम देखें, ओके बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग वेक्टर में, वेक्टर है ऐसा क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, इसका मान लेते हैं मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बोल दिए 20 मीटर। ओके, 20 मीटर क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और
ये क्योंकि वेक्टर है डायरेक्शन डिफरेंट डिफाइन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कहां मान लो कि हम किसी पटना से हम कहां जा रहे हैं दिल्ली ठीक है ना तो जो उसका डिस्टेंस है मान लो कि 800 किलोमीटर है तो वो 800 किलोमीटर मान लेते हैं तो 800 किलोमीटर क्या हुआ वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया ओके और डायरेक्शन क्या हो गया पटना से जो दिल्ली जा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है ताकि हम दिल्ली पहुंच पाए ठीक है ना तो वो उसका डायरेक्शन हो गया तो हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ओके उसी तरह वेलोसिटी हो गया वेलोसिटी मान लो कि तुम कहीं कोचिंग जा रहे हो या किसी क्लास में पढ़ने जा रहे हो मान लो कि मेरे यहाँ फिजिक्स पढ़ने आ रहे हो ठीक है ना तो तुम अपने घर से निकले और मेरे कोचिंग में आए तो मान लो कि तुम स्कूटी से आ रहे हो तो उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो अगर डायरेक्शन मेरे कोचिंग की तरफ नहीं होगा मेरे कोचिंग की तरफ नहीं आ पाओगे ठीक है ना तो वहां पर डायरेक्शन का रोल है तो उस समय क्या बोलेंगे उस स्पीड ना बोलकर उसको बोलेंगे वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स योर होम टू माय कोचिंग ओके डायरेक्शन हो गया एक्सेलरेशन क्या हो गया वही सेम चीज कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है डायरेक्शन क्या हो गया आपके घर से मेरे कोचिंग ओके फ्रेंड उसी तरह फोर्स लगा रहे हैं मान लो किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो गया फोर्स लगाया 20 मीटर ओके 20 मीटर फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ ईस्ट की तरफ अपवर्ड या डाउनवर्ड तो आपको दिखाना पड़ेगा कि फोर्स 20 न्यूटन तो है ठीक है लेकिन किस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हैं ओके दोस्तों तो ये इस तरह से हम चीजों को समझेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है विदाउट डायरेक्शन हम लोग इस चीज को कंप्लीट नहीं पढ़ सकते हैं कंप्लीट डिफाइन नहीं कर पाएंगे ओके तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो अभी टॉर्क हो गया मोमेंटम हो गया ये सब क्या हो गया ये वेक्टर क्वांटिटी है रहा बात अब आप पूछोगे सर आपने बोला कि क्लासिफिकेशन होते हैं स्केलर और वेक्टर और आपने वेक्टर स्टार्ट कर दिया स्केलर के बारे में बात ही नहीं किया वेरी गुड आपके मन में ये सवाल आया है तो बहुत अच्छी बात है तो स्केलर हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि स्केलर क्वांटिटी जो भी है उसमें जो मैथमेटिक्स यूज करेंगे वो मैथमेटिक्स जो हम बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आए हैं वो सारा मैथमेटिक्स आठ बन करके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन जो भी है अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स का यूज करके हम सॉल्व करेंगे फटाफट बट हमको बस पता होना चाहिए ये क्वांटिटी स्केलर है तो ये कुछ चीज हमको याद करना पड़ेगा कौन सा क्वांटिटी स्केलर है कौन सा वेक्टर है ठीक है ना इसको याद करना पड़ेगा और धीरे धीरे हो जाता है याद अपने को सॉल्व करेंगे और कुछ समझ के भी आप याद कर लेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ये स्केलर के बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि स्केलर के पास क्या है स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो ओके ओनली मैग्नीट्यूड तो वो स्केलर क्वांटिटी जैसे कि आप जो एग्जाम्पल क्या है स्केलर का स्केलर क्वांटिटी एग्जाम्पल क्या हो गया जिसको लेंथ हो गया सॉरी डिस्टेंस स्पीड को हम लोग वी से ही डिनोट करते हैं ओके फ्रेंड वी से डिनोट करते हैं बट और वेलोसिटी को भी वी से करते हैं जिसमें कंफ्यूज मत करना अगर वो स्पीड है तो वो स्केलर है ओके उसके बाद क्या आ गया टेम्परेचर हो गया वर्क हो गया वर्क मतलब एनर्जी मान लो 20 जूल हम खर्च कर रहे हैं ठीक है ना डायरेक्टली की कोई जरूरत नहीं है ये वर्क हो गया फीड करेंट हो गया ठीक है ना तो बहुत सारे क्वांटिटीज है और बात आती है करेंट पे तो करेंट एक्चुअली होता है टेंसर क्वांटिटी मतलब एक और टाइप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर वेक्टर के अलावा टेंसर बोलते हैं टेंसर ओके टेंसर भी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है तो टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है दोस्त तो इसको हम लोग नहीं लेके चलेंगे बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देख लेंगे टेंसर तो करंट क्या है टेंसर क्वांटिटी है करंट के ऊपर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है ओके बट तो आपके मन में आएगा
सर फील्ड फॉर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो उसको बोलो ना वेक्टर, क्यों और उसको बोलो टेंसर। तो ये इसमें एक एक पॉइंट है जो वेक्टर से अलग होता है, वो क्या है, ये वेक्टर अलजेब्रिक मैथमेटिक्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी का रियल क्या होगी डेफिनेशन, ए क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, जो कि टेंसर क्वांटिटी नहीं करता है। तो ये सिर्फ समझ लो बस, ऐसा होगा। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है ये जान के, ये ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी तो हम समझ गए, लेकिन उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट, करते हैं रिप्रेजेंट, क्योंकि हमको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो हम उसमें कुछ उसका नाम देंगे, उसका सिंबोलिज्म करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सअप करेंगे, ताकि हमको भीड़ में मालूम पड़ जाए कि ये वेक्टर है और ये भाई साहब स्केलर है। ओके दोस्त, तो आ रहा होगा। ओके बच्चों, तो हाउ टू रिप्रेजेंट। ओके, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जैसे कि हम अगर कोई एक लाइन खींचे, ये क्या है, लाइन सेगमेंट, आपने पढ़ा होगा लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी है। ओके दोस्त, तो ये लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या हो गया ए बी, तो ए से बी का जो डिस्टेंस है या आपकी लेंथ है वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो बट इसमें डायरेक्शन नहीं है, ए से बी या बी से डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी क्या है, ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये इसके बाद क्या है, लेंथ है, मतलब लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। बट अगर इसी को हम कर देंगे, ए से बी को लिखा हमने और यहां पे एक एरो दे दिया, देख रहा होगा एक एरो दे दिया, तो क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये डायरेक्शन क्या हो गया, ए से बी, तो ए बी क्या हो गया, ए बी इज अ, अगर ए बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो कुछ समझ में आया, तो डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी, वही अगर कर देंगे लाइन सेगमेंट को, इसके एरो इधर कर देंगे, ये बी ऑलरेडी नहीं ए, तो ये क्या हो गया, बी से ए डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसके इक्वल ही मैग्नीट्यूड है। ओके, ये डायरेक्शन क्या हो गया, बी से ए, इसमें क्या था, ए से बी, लाइन सेगमेंट मैग्नीट्यूड होता है, उसमें अगर एरो दे दिए तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्लियर, अब आते हैं फाइनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग एरो, एरो साइंस, एरो मतलब तीर, तीर कैसा होता है, तीर कैसा होता है, तो पता है, एरो साइन, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तीर कैसे होता है, एक लाइन ऐसे खींचो और उसके ऊपर ऐसा कुछ लगा दो, आपने महाभारत देखा होगा, रामायण देखा होगा, ठीक है ना, बाहुबली देखा होगा, बाहुबली में भाला जो मरता है, तो वो क्या भाला क्या है, जस्ट लाइक आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो वेक्टर है, ठीक है ना, वेक्टर और वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे पास दिखाने के लिए है, जैसे कि ये, इसको आप मान लो, दिस इज एरो, दिस इज लेंथ, मतलब कि ये लेंथ जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो लेंथ है, ये क्या होगा, लेंथ क्या होगी इसका, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, दिख रहा होगा, दिस इज मैग्नीट्यूड। ओके, लेंथ इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो ये आ गया,
दिस इज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। अगर कोई क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, एरो से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पे देखेंगे ये क्या हो गया, लेंथ, ये हो गया एरो डायरेक्शन, ओके। और इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जो पहले से जानते हैं, इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट, क्योंकि हम यहां से स्टार्ट किए यहां पहुंचे, तो ये डायरेक्शन का फाइनल पॉइंट है। तो इसको एक और नाम दे देते हैं टेल। अब हम वेक्टर में एंट्री कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे टेल और इसको बोलेंगे हेड, ओके फ्रेंड। हेड बोलेंगे इसको, इसको टेल बोलेंगे। क्लियर आ रहा समझ में? अगर नहीं आ रहा कमेंट करेंगे। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे। ये तो हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब ओके दोस्त, तो ग्राफिकली हमने या फिर ज्योमेट्रिकली बोलो, ज्योमेट्रिकली हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये ए बी, ए बी, ए बी क्या हो गया, ए बी वेक्टर। तो इसको हम लोग ए बी को ए बी के ऊपर क्या करेंगे, एक एरो डाल देंगे, तो ए से बी। तो ये एरो साइन क्या है, ये शो कर रहा है कि ए बी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। या फिर इसको हम सिंपली स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल ए या कैपिटल ए डजंट मैटर, स्मॉल ए से भी हम उसको ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख रहा हूं, ओके ए बी। तो ये हमारा ठीक है, रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करेंगे। और मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, ए बी है तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, फैक्टर ए बी क्या हो जाएगा, मॉड ए बी, मॉड लगाते हैं, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर डाल देंगे तो ये मैग्नीट्यूड शो करेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉड ए बी, वेक्टर ए बी। या फिर इसको हम ए से भी कर सकते हैं, सिंपल ए से भी मॉड ए, ठीक है, उसको मॉड ए भी बोल सकते हैं, ओके, ये कंक्लूड हो गया। या फिर सिंपली ए बी ले सकते हैं या फिर ए ले सकते हैं, कुछ भी नहीं डालो, उसके ऊपर एरो मत डालो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया मैग्नीट्यूड को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। तो ये मॉड है, मॉड मैथमेटिक्स में पढ़ना है मॉड, तो आप तो बायो के स्टूडेंट है, मैथ्स के स्टूडेंट तो आपको या तो पढ़ लिया होंगे या तो पढ़ने को मिलेगा, और बायो के स्टूडेंट है तो आप देख लो कि इसको बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं मॉड, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडुलस, ओके। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम पढ़ते हैं, उसके पहले एक टॉपिक है पैरेलल शिफ्टिंग, ओके। तो देखते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, ओके फ्रेंड। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इसका यूज हमको मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा इंडिविजुअली अलग से पढ़ लेते हैं। तो पैरेलल शिफ्टिंग नाम से मतलब पर मैं पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर, शिफ्टिंग मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, क्लियर, एनी प्रॉब्लम? तो नाम से क्लियर है पैरेलल शिफ्टिंग। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या हो गया, तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा मान लेते हैं लेट ये कोई ए वेक्टर है, ओके,
ए इज एनी फैक्टर, इसको हमको मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है, मान लेते हैं ये पी पॉइंट पे या फिर वन पॉइंट हम बोल लेते हैं या वन पे है, हमको इसको टू पे लेके आना है, टू पॉइंट पे लेके आना है, टू पॉइंट पे मान लेते हैं, ओके। तो इसको करना क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर को हमको पॉइंट टू पे लेके आना है, तो इसको लाने के क्रम, लाने के प्रोसेस में इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड यहां तक पहुंचते पहुंचते सेम होना चाहिए, मतलब तो जो मैग्नीट्यूड अगर ए है तो यहां पे भी ए होना चाहिए, और डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स इस तरफ देख रहा है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे भी आए टुवर्ड्स उसी तरफ देखे, मतलब क्या हुआ, देर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेन जब हम शिफ्ट कर रहे हैं किसी वेक्टर को, क्लियर, तो ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसको अगर हम लोग सेफ्टी करना थोड़ा सा ऐसे लेके जाओ यहाँ पे, इसको लेके जाओ यहाँ पे, और फिर अपना एंगल डायरेक्शन में मिला के यहाँ पे हम इस वेक्टर को लिया है, ठीक है, तो लगभग सेम ही है डायरेक्शन भी सर और उसका लेंथ भी क्या है सेम ही है, तो पैरेलल स्पीड में क्या नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड क्या होगा डायरेक्शन, ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे, सीबीएसई स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड जो भी होंगे, ओके, वो कमेंट में पूछ सकते हैं अगर कोई इशू है, और डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे अपना व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आप वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं जेके फॉर फिजिक्स, ओके, टेलीग्राम चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम में भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी क्वेरी है आप पूछेंगे, और मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं अच्छी तरह क्लियर कर पाऊंगा अगर आप हमसे बात करते हैं या फिर टेलीग्राम पे आते हैं, तो फोन कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई क्यों ज़्यादा इशू हो तो, ओके, तो समझ में आया, इस चैनल पे अगर नए हैं दोस्त तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केके फॉर फिजिक्स क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो चैप्टर बाई चैप्टर आपको मिलता रहे, ओके, और आप उसको पढ़ के काफी आगे बढ़े, नाम कमाएं, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना फिजिक्स अधूरा है, लोग बोलते हैं फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स समझ में नहीं आता है क्योंकि आप शुरुआत से ठीक से नहीं पढ़ते हैं, आप बीच में कहीं शुरू कर देते हैं, तो फिजिक्स ऐसे नहीं होने वाला है, अगर आप बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप जा रहे हैं तो फिजिक्स काफी आसान है, अगर स्टेप से थोड़ा भी इधर उधर हुए हैं, एंट्री मारे गई बाहर से, तो फिर फिजिक्स आपको हमेशा मतलब परेशान करते रहेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी है फिजिक्स, आप बिल्कुल रट नहीं सकते हैं, आपको समझना ही पड़ेगा, और समझना काफी आसान है अगर स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और अच्छे टीचर के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो उसके कॉन्टेक्ट में है, क्लियर, तो फिजिक्स ईजी है अगर आप सही जगह पे टाइम दे रहे हैं, तो अदरवाइज फिजिक्स को हर कदम पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और बायोलॉजी वाले के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, ओके, तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर इस वेक्टर को वेक्टर ए है इस पोजीशन पे ऐसे है तो ये क्या होगा, इस पोजीशन पे भी अगर हम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो सेम ही रहे फ्रेंड, ओके, यहां पे ले आए कहीं भी ले आए तो भी क्या हो सेम ही हो, मैग्नीट्यूड तो मेरा फिक्स है, चेंज तो हो नहीं रहा है क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, कहीं भी ले आए यहाँ ले आए यहाँ ले गए कहीं भी घुमा दो भाई बोर्ड पे कहीं भी घुमा दो, तो कहीं भी घुमा के उसको आपके पास ऑप्शन है वेक्टर को घुमाने का, कहीं भी घुमा बस आपका उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज मत करना, ठीक है, नहीं उठा कर सकते उठा के यहाँ जहाँ मन करे घूमते रहो, वो चेंज वेक्टर, वो वेक्टर ए ही रहेगा, ए बी नहीं होगा, ओके,
समझ में आ गया, क्योंकि इसके यूज है इसलिए मैंने बता दिया। आगे देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके ओके दोस्त, तो हम लोग स्टडी करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वेरी गुड, बहुत आसान है बट इतना भी आसान नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हमने बताया क्या, किसी भी वेक्टर में अगर उसको ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके पास क्या है, पहले एक हेड है एक टेल है, दो चीज है, हेड है और एक टेल है, क्लियर। तो दो वेक्टर के बीच को हम मान लेते हैं, यहां से मान रहे हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए और बी टू वेक्टर्स है, इसके बीच का एंगल निकालना है। तो इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन पहला कंडीशन क्या है, जब जब दो वेक्टर का टेल आपस में मिलेगा, व्हेन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स मीट टुगेदर। ओके, मतलब टेल से टेल मिल जाए, तो जब वो टेल से टेल मिलेगा उसके मान लो कि ये वेक्टर को एक उठा के लिया, नहीं ये के यहाँ ले आया और बी उठा के यहाँ ले आया, पैडल से कर दिया, तो ये क्या होगा, इसका एक टेल था, इसका एक टेल है, क्लियर। दिस इज टेल, इस टेल को उठा के हम ले आएंगे, कैसे उठाएंगे, बताया हमने अभी पैडल सेफ्टी मेथड से, तो हमको इसको फिक्स रखो, एक को फिक्स रखो एक को हिलाओ, तो इसको उठा के हमने यहाँ लिया है, तो ये टेल क्या हो गया, टेल मिल गया, मिल गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, समझ में आ गया, आया ना कि नहीं आया, आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो भी वेरी गुड। तो हमने तो बोल दिया, आपने समझ लिया, आप पूछा नहीं, कमेंट डाल देना, तो कोई अगर स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर ये तो ये भी तो एंगल है और ये जो बाहरी है ये भी तो एंगल ही है, मान लेते हैं ये एंगल क्या हो गया अल्फा, तो ये एंगल क्या है अल्फा, ये भी तो होना चाहिए एंगल, दिस इज ऑल्सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होना चाहिए। तो इसका कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन नो नो, क्योंकि इसमें बोल दिया गया है थीटा का जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो डिग्री से बड़ा और लेस देन 180 डिग्री, ये कंडीशन है, शर्त है, ठीक है ना, इसी शर्त के इसी के ये बॉर्डर है, इसके ना बाहर जाएंगे ना 180 से 181 नहीं करना है, जीरो से माइनस नहीं करना है, क्लियर। तो जीरो और 180 बीच में होना चाहिए, तो अगर हम इस कंडीशन यूज कर लें तो ये भी ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल होगा। ओके फ्रेंड, तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रखना है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जिनको आपको समझना है। ओके फ्रेंड, तो थीटा क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या है, दो वेक्टर का टेल से जहां मिलेगा उसके बीच का एंगल थीटा होगा, और थीटा क्या होगा, जीरो से 180 के बीच में लाइन करेगा, जीरो भी हो सकता है 180 भी हो सकता है, लेकिन 180 से बड़ा नहीं होगा, 270 360 नहीं होगा, क्लियर। ओके, आया समझ में, तो
तो अब याद कैसे रहेगा, समझ में तो आ गया सर। देखो फिजिक्स में क्या है ना कि पहले गैस समझना, ठीक है ना, उसके बाद क्या है याद रखना, ठीक है, ओके। तो फिजिक्स को समझ के याद रखना, फिजिक्स को समझ के याद रखना, तब जाके वो याद रहेगा, एग्जाम तक रहेगा याद, क्लियर। तो समझ तो गए, बट याद तो बहुत दिन तक रखना है, क्योंकि हमारे पास जो जो स्टडी है कि हमारे दिमाग में 40 घंटे तक ही दिमाग में कोई चीज़ अगर हम याद किए हैं तो 40 घंटे तक ही दिमाग में रहता है, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। अगर आप 40 घंटे के तक उसको याद नहीं भी किए, नहीं भी रिवाइज किए, तो भी वो दिमाग में रहेगा, बट 40 घंटे के बाद क्या होगा, एग्जाम तो आता है 1 साल 2 साल के बाद, ये तो ठीक है काम तमाम, तो आई एम हियर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। KK फॉर फिजिक्स आपके लिए अवेलेबल है कि लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए, वो ट्रिक्स मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ट्रिक्स क्या है, अगर आप लोग को काफी पहले की मूवी है ताल, शायद मूवी का नाम ताल है, अनिल कपूर है और अक्षय राय है, तो उसमें गाना है, गाना सुना होगा, मूवी आपने देखने में अलग बात है, गाना आपने सुना होगा कि ताल से ताल मिला, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेल से टेल मिला, वहीं पे एंगल मिला, ओके। तो ताल से ताल मिला, ओ क्लियर, ये गाना सुन लेना, तब अगर सुन लोगे तो ये याद हो जाएगा, क्लियर। तो इसको आप फॉलो करना है, बट एक और तरीका है, एक और कंडीशन है, अगर मन करे तो, और हेड से मैं हिंदी लेता हूँ, हेड से हेड मिला, हेड से हेड मिलने पर क्या होगा, हेड से हेड मिलने पर जो एंगल बनेगा, हेड से मिलने पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर जिसका एंगल कहलाएगा। हाँ तो बच्चों एक चीज और मैं शायद मिस कर गया, फिजिक्स में एक बात याद रखने की है, अगर जैसे हम यूपी बिहार वाले जो हैं, एमपी वाले, हिंदी में कंफर्ट है, क्लियर, हिंदी में कंफर्ट है, तो हिंदी में अगर आप सोते भी रहेंगे, आधी नींद में भी है, तो कोई अगर हिंदी में बोल के चला गया तो भी आराम से समझ में आ जाएगा, बट अगर पूरा होशो हवास में है, पूरा नींद, पूरा एकदम चेयर बैठे हुए हैं, उसमें आप खुला हुआ, दिमाग खुला हुआ है, उसमें अगर इंग्लिश कोई बोलता है तो थोड़ा लेट से समझ में आता है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना फ्रेंड कि फिजिक्स को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको अपने दिमाग में डालोगे ना, तो ये बहुत लंबे समय तक रहेगा, अदरवाइज आप इंग्लिश में अगर डाल रहे हो, इंग्लिश तो बेस्ट, क्योंकि सारे अच्छे अच्छे बुक्स तो इंग्लिश में ही है, हिंदी में बहुत अच्छे बुक्स नहीं है, क्लियर, और हिंदी में अच्छे बुक्स अगर है तो हिंदी भी समझना, क्योंकि हमारी हिंदी भी ठीक नहीं है, हमारा हिंदी परफेक्ट नहीं है, दुख की बात यह है, तो हिंदी में वो लैंग्वेज हमको बचेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश और हिंदी मिला के काम चलाएंगे, हमको बस अपने दिमाग में एंट्री कराने के लिए चेक पॉइंट एंट्री कराने के लिए हिंदी में कन्वर्ट करके उसको डाल देना है, क्योंकि हिंदी हमको समझ में आती है, हमारा दिमाग सोया भी रहेगा तो हिंदी को तुरंत रिसीव कर लेगा, तुरंत ले लेगा, तो जो आपका लैंग्वेज है, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपका जहाँ कहीं भी है इंडिया में, वो लैंग्वेज आप कन्वर्ट करो, थोड़ा टाइम लगेगा बट हमेशा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, जैसे मैंने ये लिखा ना, व्हेन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स मीट टुगेदर, ये कुछ लोगों को याद करना पड़ सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैंने यहाँ लिखा हेड से हेड मिलने पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा, तो ये हो गया, जय श्री राम, हो गया, ऑलवेज दिमाग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, तो आप मोस्टली इसका ऐसे यूज करो, ये तो कॉमन है, इसका यूज करो या फिर इसका यूज करो, तो हम चाहेंगे कि
जहां पे जैसा क्वेश्चन होगा जो इजीएस्ट होगा तो एक ही पैटर्न को यूज करो, ठीक है। एस विल बी द वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा और इसे नोमेरिकल आता है, ये ध्यान रखना, नीट में और आईआईटी में आता ही आता है और एबोर्ड में शायद कम जरूरत है इसकी, क्लियर, बट समझना है हमको, ओके फ्रेंड। तो इसके हम लोग कुछ नोमेरिकल्स करते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, आप देखो कि इसमें कौन सा एंगल टू वेक्टर्स होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, समझ में आ गया, आ जाओ लाइक करो, कमेंट करो कि हाँ आ गया समझ में, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने जो बिल्कुल समझाया वो आपको समझ में आ रहा है। ओके दोस्त, फिजिक्स है आसान, बहुत आसान है, वेरी इजी, केमिस्ट्री से आसान नहीं है, केमिस्ट्री बोलता आपको पता है ना, बोलो वेरी सकता बोलता बोल रहे हो, केमिस्ट्री में बहुत सारा कंडीशन याद करना पड़ता है हर पॉइंट पे, तो टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर क्वेश्चन मैंने लिया, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल हम देती है 30 डिग्री, ओके। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, निकालो फाइंड द एंगल बिटवीन, क्या होगा। तो देखो पहले टेल से टेल मिला हुआ नहीं मिला हुआ, तो देखो ये पहला वेक्टर है इसका टेल और ये वेक्टर है उसका हेड, ये यहाँ मिला हुआ है, तो ये जो एंगल है 30 डिग्री नहीं होगा, ओके, ये भी एंगल नहीं होगा, क्लियर। तो हमको क्या करना है, टेल से टेल मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक वेक्टर को सिटी को इसको उठा के यहाँ ले आओ, ठीक है, उसको उठा के हम ले आए, उठा के ले आए, उठा के ले आए, उठा के ले आए, अब देखो ये टेल, ये भी टेल मिल गया यहाँ पे, एंगल क्या होगा, ऐसा क्या होगा 30 डिग्री, नो प्रॉब्लम, यहाँ तो इजी क्वेश्चन था, ओके। अगर हम दे दिए 120 डिग्री, आप बोले फाइंड करो, आप फाइंड करो एंगल बी टू वेक्टर, तो उसको भी कह दो, एक को फिक्स रखो, एक को घुमाओ, उसको उठा के यहाँ ले आओ, उठा के ले आए यहाँ पे ए वेक्टर को, अब ये जो एंगल होगा थीटा, ये स्टिल भी किया, ये एंगल होगा थीटा, तो उसका ज्यादा ज्योमेट्री वो क्या हो गया, 180 माइनस थीटा 180, ये पूरा माइनस 20 एंगल, इसको थीटा मिल जाएगा 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आप लोग भी इतना मेहनत कर रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा, आप बोलेंगे तो और भी इसमें सॉल्व करा देंगे, बट ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, शिफ्टिंग हो गया, पैडल शिफ्टिंग और एंगल टू वेक्टर्स हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कुछ कुछ आपको पता है और कुछ कुछ समझ लेना है, नया चीज होगा उसको याद कर लेना है, समझ लेना है, जो पुराना चीज है उसको बस बोल देना है दिमाग से कि भैया ये मुझे ये पुराना है, अच्छा ये वो है, वहां पे आप एडजस्ट कर लो, ओके बच्चों। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने पढ़ लिया, नोमेरिकल भी सॉल्व किया, एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, दिस इज द एग्जांपल, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है, तो हमको, और ये फिगर में दिया होगा 60 डिग्री,
ये दिया हुआ 30 डिग्री 90 डिग्री, तो हमको पता करना है क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन डी एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड डी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये हमको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग लगाना है और टेल से टेल मिलाना है और जीरो से लेकर 180 डिग्री के बीच में वो एंगल होना चाहिए, क्लियर। तो हम निकालते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी, तो वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर बी यहाँ पे है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है बी ए पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बी का टेल ए के हेड से मिला हुआ है, तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, टेल से टेल मिलाना होगा। तो हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, यहां देखेंगे ए को हम लेके आए यहाँ पे, ए को यहाँ पे है, ऐसे करते हैं, ये ए है तो ए को हमने, सॉरी बी है, बी को यहाँ पे लाया और ए को शिफ्ट किया पैरेलल ए, तो क्या हो गया, इसका टेल और इसका टेल मिल गया, ए विच टाइम क्या होगा, एंटी डी यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूछ क्या रहा है, डी एंड बी, मतलब डी ए है और बी ये है, ओके। तो हमको क्या करना है, ये डी को यहीं पर रखो और अगर हम यूज करें रेड पे, तो बी को पैडली शिफ्ट करना है, पैडल शिफ्ट करना है, तो उसको उठा के हम यहां पे ले आएंगे, तो ये वेक्टर बी पैडल शिफ्टिंग किए, डायरेक्शन भी क्या है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, अपवर्ड है और उसका लेंथ भी क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, तो अब जो इसका टेल टेल मिल गया, अब ये जो एंगल हुआ दिस इज थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये थीटा, तो इसको ज्योमेट्री यूज कर लो, ये पूरा एंगल कितना है, 180 180 माइनस 30 150, यानी 150 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्योमेट्री यूज करना है आप लोगों को पता है ज्योमेट्री, तो क्या हो गया डी एंड बी के आंसर 150 डिग्री। नेक्स्ट है, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्या, ए एंड डी, तो ए कहाँ, ए यहाँ पे, डी यहाँ पे, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, ए को उठा के यहाँ ले, ए को उठा के हमने ए को ले आया, पैडल शिफ्टिंग किया ए को, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ओके। और ये 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री, यानी क्या हो गया 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ज्योमेट्री लगाना है सिंपल, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, व्हाट्सएप पे लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप वहां पूछ सकते हो। अब बचा ए एंड सी, तो ये वेक्टर ए एंड सी, तो सी को ही रखू, चाहे इसको उठा के, चाहे इसको ए को उठा के यहाँ ले, तो ए को हम उठा के ले आए यहाँ पे, ओके, ए को यहाँ उठा के ले आए, पैडल से देख किया हमने यहाँ पे, तो ये पूरा 90 डिग्री, 90 माइनस 60 30, यानी कितने 30 डिग्री आंसर। तो इस तरह से हमको टेल से टेल मिलाना है, और देख लो 90 150 60 30, ये क्या कर रहा है, 0 डिग्री से एमोनेटिक बीच में लाई कर रहा है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, कंडीशन सेटिस्फाइड, आया समझ ना। तो एससी वर्मा के बुक में आप जाना, वहां पे और भी कुछ सॉल्व में सॉल्यूशन में दिया हुआ, वहां पे आप उठा के सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, तो ये काफी है, बस टेल स्टिल मिलाना है, ओके दोस्त। तो समझ में आया होगा, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो ये हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स खत्म हो गया, ये क्वेश्चन पूछता है नॉमिनल में, आईआईटी और नीट में, तो केयरफुली इसको समझिए।